नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। अगर आपका बेटा और बहू दोनों सरकारी अध्यापक हैं, पर बहू घर में रहकर और बेटा नियुक्ति वाली जगह यानी घर से दूर रहकर नौकरी कर रहा है, तो समझिए अब सारी टेंशन खत्म, क्योंकि अब बेटा और बहू साथ रहकर नौकरी कर सकते हैं। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में ऐसे अध्यापकों को राहत दी है जिनकी पत्नियां भी अध्यापक हैं और अपनी ससुराल वाले जिले में नियुक्त हैं। साथ ही कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को भी राहत दी है जो या तो स्वयं या उनके माता पिता किसी घातक रोग से पीड़ित हैं। हालांकि कोर्ट ने उन अध्यापकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग न मंजूर कर दी है जो स्थायी रूप से दिव्यांग हैं। कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को अपने ससुराल वाले जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार है और वो पहले से ही अपने ससुराल वाले जिले में नियुक्त हैं। हालांकि वह स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी को एक ही जनपद में रहकर नियुक्ति पाने का अधिकार है। सरकारी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण का नियम क्या है? बीते दिनों हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि पुरुष अध्यापकों को नियुक्ति के 5 साल व महिला शिक्षकों को 2 साल पूरा होने के बाद ही तबादला दिया जाएगा, जबकि राज्य सरकार की तबादला नीति के तहत पुरुष शिक्षक 3 वर्ष व महिला शिक्षिकाएं 1 वर्ष की सेवा पूरा करने पर तबादले की पात्र बनती थी। लेकिन अब इन सारे नियमों से अलग हाईकोर्ट ने पति पत्नी को साथ नौकरी करने का आदेश दिया है। आइए अब जानते हैं यूपी में कुल कितने सरकारी स्कूल हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 158,839 प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमे 113,249 प्राइमरी स्कूल है। आइए महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में जान लेते हैं जिनका पता होना महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा, इस अधिकार को महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत अगर किसी महिला के साथ उसके घर पर ससुराल में कोई भी हिंसा होती है तो वह इसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है। दूसरा, मातृत्व संबंधी अधिकार। इस अधिकार के तहत जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे 26 सप्ताह की छुट्टी लेने का अधिकार है। इस दौरान महिला के वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी और वह फिर से काम शुरू कर सकती है। समान वेतन का कानूनी अधिकार। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी वर्क प्लेस पर समान वेतन का अधिकार है। भारतीय श्रमिक कानून के मुताबिक किसी भी जगह पर अगर आप काम करती हैं तो वेतन में लिंग के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अब रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार। इस कानून के तहत किसी भी महिला को कोई भी पुलिसकर्मी सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके लिए पुलिसकर्मियों को सूरज उगने का इंतजार करना होगा। काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। और अब आपसे एक सवाल, इस पुरुष प्रधान वाले देश में आज के समय में महिलाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अब कर लेते हैं एक जरूरी बात, अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।